अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट विद रुकैया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बनाए लोडेड फ्राइज़, तो पहले उसके लिए सॉस बना लेते हैं। मैंने ले लिया है 1/3 कप ऑफ मायो, 1/3 कप ऑफ चिली गार्लिक सॉस या केचप, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ऑफ 1 टीस्पून ऑफ पेपरिका और 1 लेमन लिया, उसको स्क्वीज़ कर दिया और 1 टीस्पून ऑफ वेनेगर, वाइट वेनेगर और 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस, इनको आप मिक्स कीजिए और 1/2 टीस्पून ऑफ चिली चिकन पाउडर, तो इसे मिक्स कर लीजिए। सॉस हमारी रेडी होगी। अभी मैंने डाली है फ्रेंच फ्राइज मैंने पहले रेडी कर लिए थे, उसके ऊपर डाली है मैंने पिज़्ज़ा सॉस और ऑलिव्स हैं और पास्ता बॉयल किया था और कॉर्न है, और अभी मैं वही जो सॉस बनाई थी वो भी डाल दूँगी। तो उसके बाद मैंने डाल दिए ऑलिव्स भी मैंने कटे हुए थे वो भी डाले हैं, और उसके बाद देखिए मैंने ये सॉस जो बना के आपके भी सामने रखी थी वो भी डाल दी है, और इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी चीज़, तो इसको हाँ 1 कैप्सिकम भी मैंने कट की थी वो भी मैंने चॉप की थी वो भी डाले तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फिर मैंने इसे रख दिया है तकरीबन 180 डिग्री पर, और मैंने इसे दिया है 10 मिनट्स, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ था। तो इसको रख दीजिए और हमारे फिर ये तैयार हो गए थे मज़े के लोडेड फ्राइज। तो चलिए मैं ओवन में रख देती हूँ और फिर से निकाल के आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छे बने थे, आप भी ट्राई कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। नए देखने वाले मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। आपने 10 मिनट्स देने हैं, और ऊपर से सिर्फ मैंने ग्रिल ऑन की थी, नीचे से मैंने ग्रिल ऑन नहीं की क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ डन था। तो बहुत अच्छे बने थे, आप भी ट्राई कीजिए। तो ये देखिए जी, ज़रा 10 मिनट्स हो गए और 10 मिनट्स के बाद ये कितने अच्छे यम्मी से तैयार हुए थे, बहुत अच्छे बने थे। तो आप भी बनाइए। थैंक यू।